तो आज के वीडियो में जो है ना तुम लोगों को बताऊंगा कि तुम लोग कैसे अपने किसी भी सर्वर को ऑप्टिमाइज कर सकते हो, लाइक चाहे तुम्हारा सर्वर जितना मर्जी बड़ा हो लेकिन अगर तुम्हारी होस्टिंग के स्पेक्स कम है और तुम्हारा सर्वर थोड़ा सा लैग वगैरह होता है तो तुम लोग ये बड़ा मेथड यूज कर सकते हो, लाइक अपने सर्वर को ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हो जस्ट सम फाइल से एंड साथ साथ कुछ प्लगइन वगैरह से। लाइक वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड लेट्स गो। डिस्क्रिप्शन में तुम्हें मेरी ये ज़िप फाइल मिल जाएगी, वहां से ओपन करके इसको डाउनलोड कर लेना। देन जैसे इसको डाउनलोड कर लोगे ना तो डाउनलोड करने के बाद इस ज़िप फाइल पे तुम लोगों ने राइट क्लिक करना है। देन उसके बाद यहाँ पे एक्सट्रैक्ट ऑल पे क्लिक करके एक्सट्रैक्ट कर दो। उसके बाद तुम्हारे पास आ जाएगा ये लाइक फोल्डर, सिंपल इस फोल्डर को यहाँ से ओपन कर लो। देन उसके बाद यहाँ पे इसके पहले फोल्डर पे जाओ, यहाँ पर जो है ना कुछ फाइल्स वगैरह तुम लोगों को यहाँ पे मिलेगी। तो अभी सिंपल तुम लोगों ने क्या करना है, इस पेज को जो है ना मैं यहाँ पर कुछ इस टाइप से करके खोल लेता हूँ एंड बैक हैंड पे अपनी होस्टिंग खोल लेता हूँ। ओके, अब तुम लोगों ने क्या करना है, जिस नेम की यहाँ पर ये फाइलें पड़ी हुई है अपनी होस्टिंग पे, इस नेम की फाइलें ढूंढो एंड उसको डिलीट कर दो। तो सिंपल सबसे पहले आती है स्पीकर, मुझे यहाँ पे ये मिल गई। देन उसके बाद एक सर्वर प्रॉपर्टी यहाँ पर है एंड उसके बाद बकेट, सिंपल बकेट की तरह ये रहा बकेट, सिंपल बकेट पे क्लिक करता हूँ एंड इन तीनों फाइलों को यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। देन डिलीट करने के बाद अपने स्पीकर प्रॉपर्टीज एंड बकेट को सेलेक्ट करके यहाँ पर अपलोड कर दो एंड सिंपल अपलोड यहाँ पर हो गया। ठीक है, आप अपलोड करने के बाद सबसे टॉप पर जाओ, यहाँ पे कॉन्फिग के फोल्डर पे जाओ एंड यहाँ पर जाने के बाद तुम्हें यहाँ पे दो फोल्डर मिलेंगे। देन उसके बाद यहाँ पर भी दो फाइलें मिलेंगी, पेपर ग्लोबल एंड पेपर वर्ल्ड डिफॉल्ट, यहाँ पर भी देख सकते हो तुम्हें ये दोनों फाइलें मिल जाएंगी। सिंपल क्या करो, यहाँ से इन दोनों फाइलों को यहाँ से कर दो डिलीट। देन उसके बाद ये जो दो फाइलें मैंने दी हुई है इनको यहाँ पर कर दो अपलोड। अब ये भी करने के बाद यहाँ पे बैक जाओ, देन यहाँ पे प्लगइन के सेक्शन पे जाओ। प्लगइन्स पे जाने के बाद अपने यहाँ पे फोल्डर पे भी यहाँ पर प्लगइन के सेक्शन पे जाना है। यहाँ पर तुम लोगों को दो फोल्डर और तीन प्लगइन मिलेंगे। ठीक है, और सिंपल इस वीडियो में तुम लोगों को मैं एक क्लियर लैग टाइमर, जो एक्चुअली काफी लोग यूज करते हैं अपने सर्वर्स में अपने सर्वर को ऑप्टिमाइज करने के लिए, तुम लोग ये वाला भी यूज कर सकते हो क्लियर लैग टाइमर को यूज करके। ठीक है, लाइक ये ऑलरेडी सेटअप कॉन्फिग फाइल मैं दे रहा हूँ तुम लोगों को, डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना। इसी कॉन्फिग को एडिट किया गया और थोड़ा सा सेटअप किया गया, काफी अमेजिंग है मैं बता देता हूँ। सिंपल क्या करो, अभी इन सभी को यहाँ पे सेलेक्ट करो, राइट क्लिक करो और इसको कंप्रेस टू जिप फाइल, इसको जिप फाइल में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, देन इसको जिप फाइल बनाने के बाद सबसे पहले अपने होस्टिंग में प्लगइन के सेक्शन पे देख लो कि तुम लोगों ने कोई क्लियर लैग का, चंकी का और साथ साथ क्लियर लैग टाइमर का प्लगइन तो नहीं डाला हुआ। अगर तो नहीं डाला हुआ वेल एंड गुड, लेकिन अगर डाला हुआ है तो सिंपल क्या करो, उन फाइलों को यहाँ पे सेलेक्ट करो, जस्ट लाइक मैंने चंकी को यहाँ पे डाला हुआ है, सिंपल इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड उसके बाद यहाँ पे इसको मैं कर देता हूँ डिलीट। देन जो मैंने आपको प्लगइन वगैरह दिया ना, प्लगइन तो अपने पास से लेटेस्ट डाल लेना, लेकिन जो मैंने फोल्डर दिए ना ये दोनों क्लियर लैग और क्लियर टाइमर के, तो मेक श्योर आप लोगों ने यही वाले फोल्डर डाले बिकॉज ये एडिट की गई हुई है, इनकी कॉन्फिग को एडिट किया हुआ है। ठीक है, तो सिंपल क्या करो, जो तुमने जिप फाइल बनाई है जिप फाइल को यहाँ पर अपलोड कर दो। देन अपलोड करने के बाद इस पर राइट क्लिक करो और इसको अनअचीव कर दो। देन अनअचीव करने के बाद इस जिप फाइल को यहाँ से कर दो डिलीट और डिलीट करने के बाद अपने होम पे जाओ एंड सर्वर को कर दो रिस्टार्ट। ओके, हमारा सर्वर स्टार्ट हो रहा है एंड मेक श्योर एक और चीज तुम लोगों को बता दूं, अपने स्टार्टअप पे जाना, देन उसके बाद ना जो मैंने फाइलें अभी दी है ना वो सिर्फ जावा डॉकर इमेज जो है ना 17 में वर्क करता है, या तो तुम्हारा लेटेस्ट होना चाहिए 22 पे या फिर 17 तक होना चाहिए। ठीक है, इनके अराउंड होना चाहिए, इससे कम अगर हुआ तो तुम्हारा सर्वर स्टार्ट नहीं होगा। और इस तरह से जो है ना तुम लोग अपने सर्वर को ऑप्टिमाइज कर सकते हो, लाइक अगर तुम्हारे होस्टिंग स्पेक्स वगैरह कम भी है ना, वैसे ज्यादा कम मत रखना, लेकिन होस्टिंग स्पेक्स कम है और तुम्हारा जो सर्वर बैकअप है वो काफी हाई है और तुम्हारा सर्वर ना उसको झेल नहीं पा रहा, तो तुम लोग ये भी स्टेप फॉलो करो, देन तुम्हारे सर्वर ना ही ओवरलोड होगा, लैग भी नहीं होगा, तुम्हारा सर्वर बिल्कुल ज्यादा स्मूथ चलेगा और तुम लोग जो है अपने सर्वर को इस तरह से ऑप्टिमाइज वगैरह कर सकते हो। अभी जो है ना हमने क्लियर लैग टाइमर वाला प्लगइन में डाला था, तो उसके जो है ना कॉन्फिग काफी चेंज हुई हुई है, लेकिन फिर भी मैं तुम लोगों को उसकी कॉन्फिग भी दिखाया था आखिर किस टाइप की है। लाइक सिंपल यहाँ पे क्लियर लैग टाइमर वाले यहाँ पे फोल्डर पे जाता हूँ, देन उसके बाद इसके कॉन्फिग पे जाता हूँ। तो कॉन्फिग पे जाने के बाद यहाँ पर तुम लोग यहाँ पे चेक कर सकते हो इसके कुछ कमांड वगैरह यहाँ पर लगाए हुए हैं। ठीक है, लाइक इसको अगर यूज करना चाहते हो तो उसके लिए तुम लोग स्लैश क्लियर लैग गेम में आके सिंपल स्लैश क्लियर लैग करके एंटर करता हूँ। देन उसके बाद चेक कर सकते हो यहाँ पे क्लियर लैग जो है ना टाइमर शो करवा देगा कि रिमूवल ओनली 1 मिनट, 1 मिनट के अंदर जो है ना जितने भी आसपास एंटिटी वगैरह होते हैं ना वो सभी रिमूव हो जाएंगे। सो बस यार, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी एंड मेक श्योर मैं एक और चीज बता दूं, फायर एमसी का नेक्स्ट पार्ट भी आने वाला है और बहुत ज्यादा अमेजिंग आने वाला है। जिन लोगों को नहीं पता हमारी फायर एमसी की सीरीज चल रही है कि हाउ यू कैन मेक अ सर्वर लाइक फायर एमसी सीजन 4 सर्वर, तो मेक श्योर जिन लोगों ने मेरी फायर एमसी वाली वीडियो नहीं देखी तो जाके देख लो, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और उसका नेक्स्ट पार्ट भी आने वाला है। तो इसलिए मेक श्योर सब्सक्राइब लास्ट में से करके रख लेना इस चैनल को। मिलता हूं तुम लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।